हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्विफ्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वह फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों हम यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री का ये जो सेगमेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल में ऐसा कंटेंट आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हों या ना कर रहे हों, ठीक है, फिर भी आपको यह ज़रूरत है कि आप इसको एक बार एंड तक देखें, जिससे कि आप अपने माइंडसेट को आप चेंज कर पाएँ और आप एक बेहतर डेवलप हो, एक बेहतरीन ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो, जिससे कि आप किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ओके दोस्तों। तो हम यहाँ पे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे अपने ये सेगमेंट में, इस टॉपिक में, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वह हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं के बारे में रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा वह नदियों के किनारे बसे हड़प्पाकालीन नगर के बारे में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो रहेगा, जो तीसरा टॉपिक है, वह हड़प्पाकालीन स्थल एवं खोजकर्ता, ये उत्खननकर्ता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो चौथा हमारा इसमें रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो अगला सेगमेंट होगा, वास्तुकला होगा, कृषि होगा, पशुपालन है, ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य है ना, साथ ही प्रमुख आयातित वस्तुओं के बारे में, कौन कौन सी वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित की जाती थी, धर्म के बारे में, अंत्येष्टि के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लिपि के बारे में, और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं जो हिंदू घाटी सभ्यता के से जो हिंदू घाटी सभ्यता के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल हैं, चाहे वह हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल कालीबंगा, चन्हुदड़ो, बनवाली, रोपड़, धौलावीरा, सुरकोटडा, है ना, हम सभी के बारे में दोस्तों एक एक करके बिल्कुल डेप्थ में जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना क्रिएट हो, और साथ ही आपके कहीं से भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में ना छूटे। तो हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और साथ जो लास्ट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, है ना, जिसकी वजह से यह इतनी एक महान सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन थी, इसका किस तरह से ये कोलैप्स हुई, किस तरह से इसका पतन हुआ, हम दोस्तों एक एक करके सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यह भी देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम कैसा है, है ना, कौन सा सबसे बड़ा नगर था, उसके बाद कौन सा सबसे छोटा नगर कौन सा था, हम सब दोस्तों एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, तो इस सभ्यता के जो प्रथम अवशेष देखने को मिलते हैं तो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम अवशेष मिलते हैं वह हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो यह एक कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थिति के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी कालखंड के टाइम पीरियड को जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
कि हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरी क्रांति माना जाता है। ठीक है, यह आपका हड़प्पा सभ्यता है, तो जो ये हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरी क्रांति माना जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो माने जाते हैं वह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, को मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वह वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से आप देखें और इनको समझने का प्रयास करें। ये हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इसके बाद देखते हैं, देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह एक कैसी सभ्यता थी। तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। तो हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं क्या है, इसकी लोकेशन क्या है दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है दोस्तों, तो इसमें उत्तर में अगर इसकी लोकेशन देखा जाए तो मांडा जम्मू कश्मीर में जो अवस्थित है, तो यह इसकी सबसे उत्तरी सीमा है। दक्षिणी सीमा जो इसकी है दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, दक्षिणी सीमा है। वहीं जो पूर्वी सीमा है तो आलमगीरपुर मेरठ तक मानी जाती है, और सुत कांगे डोर जो बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी, जिस एरिया तक यह फैला हुआ था यह साम्राज्य यह सभ्यता, तो यह बेसिकली चार क्षेत्रों आप देख सकते हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में यह किस तरह से और कहां तक फैली हुई थी। ठीक है, तो यह अपने टाइम की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, और बहुत ही अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो उस टाइम पे भी आज जो चाहे नगरीकरण की व्यवस्था देखें, चाहे हम साफ सफाई की व्यवस्था देखें, पहले भी इस तरह की व्यवस्था अपनाई जा रही थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो जो हड़प्पा है तो वह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां यहां से क्वेश्चन ना बन रहे हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो है तो वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल है तो वह भोगवा नदी गुजरात में अवस्थित है, और जो यह लोथल है भोगवा नदी में, इसी में प्रथम बंदरगाह भी इसी को बनाया गया है। ठीक है, प्रथम बंदरगाह जो मिलता है देखने को तो वो भोगवा नदी गुजरात में ही देखने को मिलता है। ओके, रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे, कुणाल सरस्वती नदी के किनारे, और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। ठीक है, साथ ही नागार्जुन कोंडा है वह कृष्णा नदी के किनारे देखने को मिलता है। पयून नदी यह भी एक लोकेशन है जो गोदावरी नदी के किनारे देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल पूछा जाता है एग्जाम में, कि भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल कहाँ पाया है, तो कहाँ पाया गया है दोस्तों, तो वह आपका राखीगढ़ी हरियाणा में पाया गया है। ठीक है, हाथी दांत का जो पैमाना हड़प्पी संदर्भ में जो मिला है तो वह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ मिला है, तो वह लोथल में मिला है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों कि जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता कौन है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की है तो राखलदास बनर्जी और मार्टिमन व्हीलर ने किया है। ठीक है, हड़प्पा की जो खोज की है तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस एवं व्हीलर ने किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौनहोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, तो इनकी जो खोज की थी वह गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैके तथा जे एच मैके ने किया था। ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव या एस आर राव भी इनको बोला जाता है।
कालीबंगा की अगर खोज की है तो अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने किया है, ठीक है। बनवाली की खोज किया है तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। तो सुत कोंगेडोर की खोज जो की है वह सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया है। वहीं अगर देखा जाए तो सुरकोटडा की जो खोज है वह जेपी जोशी ने किया है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एंड तक देखें, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एकदम निर्णायक सिद्ध होगा दोस्तों, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो टॉपिक है कि देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगरी विन्यास पद्धति कैसी थी, ठीक है दोस्तों। तो यह जाल पद्धति, इसको ग्रिड सिस्टम बोला जाता था, पर आधारित है। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी, जैसे आज चौराहे देखने को मिलते हैं, वैसा समझ लो कि 3.5 से 4.5 हज़ार साल पहले भी इस तरह की जो आज आयताकार एवं वर्गाकार चौड़ी गलियां देखने को मिलती हैं आज भी, वह समझ लो उस टाइम पे भी ऐसा था, ठीक है। जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे चौराहों पर चार गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में वास्तुकला का क्या विस्तार था, तो इसको देखते हैं। तो भारत में वास्तुकला का आरंभ अगर देखा जाए तो सिंधु वासियों ने किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, भवन दो मंजिले भी होते थे, समझ सकते हैं आपकी कितना मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वह अन्नागार है, ठीक है, जहाँ फूड, जहाँ पे ग्रेन्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष मिले हैं, ओके। अब देख लेते हैं कि कृषि कैसी थी और किस तरह की खेती की जाती थी, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिंधुवासी जो चावल के साक्ष मिलते हैं तो वह लोथल से मिलते हैं, बाजरा के जो साक्ष मिलते हैं लोथल व सौराष्ट्र से मिलते हैं, रागी सरसों यह आपका कालीबंगा से मिलता है, का उत्पादन करते थे। तो समझ सकते हैं कि जो आज के तिलहन वाली जो फसलें हैं और साथ ही चावल बाजरा है, तो ये उस टाइम पे भी देखने को मिलता था और इनका काफ़ी उत्पादन होता था, ठीक है। सिंधुवासी जो हल साक्ष बनवाली से परिचित थे, है ना, उस टाइम पे हल का भी प्रयोग होता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष प्राप्त हुए हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ओके। नेक्स्ट है इसमें कि गन्ना का कोई साक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में गन्ना का कोई भी साक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्लेस हैं जो काफ़ी चर्चित रहते हैं और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिचन्नलूर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। हस्तिनापुर कहाँ पे आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है। और शिव सागर कहाँ पे आता है, तो असम पे आता है, ठीक है, तो यह असम में आता है, ओके। तो दोस्तों अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में अगर पशुपालन को देखा जाए तो पशुपालन की क्या स्थिति थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधुवासी जो होते थे वह हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल थे, है ना। उस टाइम पे वह हाथी घोड़ों से पशुओं से परिचित तो थे, बट उनको पालतू उनका यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। घोड़े का जो साक्ष मिलता है तो वह कहाँ से, सुरकोटडा अस्थि पंजर प्राप्त से उनका प्राप्त होता है ना। घोड़े का एक अस्थि पंजर प्राप्त होता है जहाँ सुरकोटडा, है ना, से प्राप्त हुआ है। सिंधुवासियों को गैंडा है, बंदर, भालू, खरहा, जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष नहीं मिला, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो शेर का कोई भी साक्ष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखते हैं वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य कैसा था, ओके। तो जो व्यापार और वाणिज्य था, तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था, मीन्स ये है कि अनाज के बदले या वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त होते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे,
ओके, अब देख लेते हैं कि जो प्रमुख आयातित वस्तुएं थीं वह कौन कौन सी थीं सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। तो सबसे पहले टिन देखते हैं, तो टिन अफगानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। तांबा जो था खेतड़ी राजस्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चांदी जो है अफगानिस्तान व ईरान से आयातित होती थी। सोना जो है वह अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आयात होता था। सीसा, तो सीसा ईरान अफगानिस्तान एवं राजस्थान से आयातित होता था। लाजवर्द, ठीक है, तो यह मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं तो हम उसको लेक्चर सेकंड में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको एंड तक देखते रहें। और दोस्तों इसके अलावा हमने कई सारे टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करें कि आप बेहतर से बेहतर आप यहाँ से अपना मैक्सिमम स्कोर्स आप प्राप्त कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी से उसको क्वालिफाई कर पाएँ। ओके।